हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहां हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम अपना सेकंड बुक का फर्स्ट पहला चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। देखो, कोई भी आपको इंटीग्रेशन कैसे दिया रहता है, इंटीग्रेशन का साइन एफ एक्स डीएक्स के फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, तो देखो, जब क्या हो, आपको यहाँ पे कोई वैल्यू ना दी हो तो उसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई हो उसको हम बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल। इसका जो आंसर आएगा वो डेफिनिट आंसर आएगा। ठीक है, जो आपके ये ए और बी होते हैं इनको हम दो नाम से जानते हैं, इनको या तो आप लिमिट बोल दो या इनको आप बोल दो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या, जो आपका ये इंटीग्रेशन या फिर डीएक्स है उसका वैल्यू इन्हीं दो के बीच में आएगा। ठीक है, जैसे हम बात करें इसको इंटीग्रेशन या फिर डीएक्स को, तो वो कितना आएगा, सपोज कर लेते हैं हमको सॉल्व करने पे एफ एक्स मिला। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा है, ए से लेके बी तक। ठीक है, तो देखो यार, इसको रखो, पहले वैल्यू रखो, एफ बी बनेगा और क्या बनेगा, माइनस एफ ए बनेगा। जो एफ बी माइनस एफ ए होता है इसको बोलते हैं हम डिफरेंस ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। ठीक है, कहाँ से, बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी के बीच में, ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू या रेंज ऑफ, लिमिट बोलो या रेंज ऑफ इंटीग्रेशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की। ठीक है, तो देखो उससे पहले थोड़ी सी बात देख लो। अगर आपको क्या दिया रहा है, डी अपान डी एक्स ऑफ फाई दिया रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, मान लेते हैं ये किसके बराबर आया, एफ एक्स के बराबर आया। फाई को डेक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो एफ एक्स आया। अगर हम एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको फाई मिलेगा। आपको ये तो पता ही है कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैसे आते हैं। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये देगा और इसको इंटीग्रेट करोगे डीएक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मिलेगा, फाई मिलेगा। ठीक है, जैसे हम क्या बोलने चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स करें तो हमको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो वही से हमारा ये आया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। वो बोलता है क्या है, लाइक कोई फंक्शन है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, एफ ये बिलोंग का साइन होता है रियल नंबर। रियल नंबर में कोई इंटरवल ए कमा बी की बात की गई है। ठीक है, जैसे 1 से 2 तक, 2 से 5 तक कोई भी रहे। ठीक है, एंड लेट फाई बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए कमा बी। जो एक फाई कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जैसे ऐसा देख लो, डी फाई अपन डी एक्स कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है किस इंटरवल में, ए कॉमा बी इंटरवल में, सच दैट क्या, जो आपका फाई डैश एक्स है वो किसके बराबर आया, एफ एक्स आया। जो आपका डी फाई अपॉन डी एक्स होता है इसको हम क्या लिखते हैं, फाई डैश से भी लिखते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हमने आपको ये बहुत बार बताया था कि डिफरेंशिएशन को लिखने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, तो ये हो गया फाई डैश एक्स, इसका वैल्यू कितना आया, एफ एक्स आया। ठीक है, तब हम क्या करें, अगर इंटीग्रेशन करें एफ एक्स डी एक्स का तो वो किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर आएगा। किसके बराबर, फाई के बराबर आएगा। हमने यहाँ पे लिमिट ले लिया ए से बी, तो यहाँ से ए से बी आ गया, तो किसके बराबर होगा, फाई बी माइनस फाई ए। ये होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, नोट करो। अब बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखो, हमारे पास पहला प्रॉपर्टी आता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। देखो, ये कहने का ये मतलब है कि अगर आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला ए और बी, जिसको हम लिमिट भी बोलते हैं, अगर दोनों साइड क्या है, इक्वल है, यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी, तब अगर जो आपका वेरिएबल होता है, वेरिएबल का मतलब एक्स डी एक्स टी डी टी, तब वेरिएबल को चेंज करने पे वैल्यू में चेंजेस नहीं आती। ठीक है, जब क्या हो, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दोनों साइड सेम हो तो वेरिएबल को चेंज करने पे वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। इसको देखना है तो देखो, पहले बात करते हैं इनकी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, और हम इसको बात करें तो हम मान लेते हैं अगर हम इंटीग्रेशन एफ टी डी टी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोई एफ टी फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, वही वैल्यूज को यहाँ पे रखते हैं। तो अगर हम क्या करें, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करें तो हमको क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक।
और यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये अंदर वैल्यू रखो, यफ बी माइनस यफ ए मिलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, तो वहां पे भी करते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी यफ टी डी टी, ठीक है? इसका वैल्यू कितना आएगा, यफ टी कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। अब वैल्यू रखो, क्या बनेगा ये, यफ बी माइनस यफ ए बनेगा, ठीक है? देख लो दोनों साइड जो आंसर आया वो सेम ही आया, मतलब क्या, जब आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दोनों साइड सेम है तो वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, नोट करो। बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की, ठीक है? तो देखो दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब आपने रेंज ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया तो क्या होगा। देखो जो आपका इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स होता है वो इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के माइनस साइन के साथ बराबर होता है। देखो अगर आप क्या करो, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, आपको वैल्यू जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो सेम मिलेगी। जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मॉड वाला वैल्यू इसका भी और इसका भी सेम मिलेगा, लेकिन फर्क क्या होगा इसमें और इसमें, बस एक निगेटिव साइन का फर्क होगा, ठीक है? अगर आप दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा, लेकिन जब आप रियल वैल्यू निकालोगे मॉड को छोड़ के तो इनमें या इनमें एक जगह क्या आएगा, निगेटिव का साइन आएगा, ठीक है? इसको भी प्रूफ में देख लेते हैं। तो पहले इसको इंटीग्रेट करें, तो हमने मान के क्या चला है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आया, हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है? तो उसको यहाँ पे रखते हैं, तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है, ए से बी तक, ठीक है? तो ये क्या बनेगा, एफ बी माइनस एफ ए बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे बात करें हम किसका, अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक, बी से ए है, इसका बात करें तो देखो हमने क्या मान के रखा है, एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर आया, एफ एक्स के बराबर, ठीक है? तो ये क्या हो गया, एफ एक्स और कहाँ से कहाँ तक, बी से लेके ए तक। अब वैल्यू रखो तो ये क्या बनेगा, एफ ए माइनस एफ बी बनेगा, ठीक है? तो अगर हम क्या करें, इनमें से माइनस साइन को कॉमन निकाल दे तो अंदर क्या मिलेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ बी बन जाएगा, और माइनस कॉमन निकाला तो ये एफ ए बन जाएगा। देखो यार लिखा तो वही है, माइनस एफ बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ए प्लस में हो जाएगा, तो प्लस एफ ए। तो देखो ये जो एफ बी माइनस एफ ए है वो ये वैल्यू है, मतलब क्या, ये वाला इंटीग्रेशन a से b वाला। तो इसको हम क्या लिख सकते हो, आप f कैपिटल f करो, कैपिटल f x कहां से कहां तक, आपका a से लेकर b तक। देखो हमारे पास आ गया ना, वैल्यू तो वही आई है, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ एक निगेटिव साइन आ गया, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो आपका f x dx b टू a होगा वो निगेटिव साइन के साथ बराबर होगा a to b f x dx के, ठीक है? ये हो गया हमारा सेकंड प्रॉपर्टी, इनको भी नोट करो। अब बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है? जब क्या हो, कोई नंबर आप क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है? जैसे हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन a to b, तीसरा प्रॉपर्टी f x dx आपका बराबर होगा इंटीग्रेशन a to c, c कोई नंबर है, ठीक है, f x dx के प्लस इंटीग्रेशन c to b एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है? तो देखो जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, एक सेकेंड, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम इनने इसको भी क्या माना था, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर आता है, हमने मान के चला कि एफ एक्स के बराबर आता है, ठीक है? तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए मिलेगा, ठीक है? इसको इतने पे रोक दो। अब पहले इनकी बात करते हैं, ठीक है? तो इनका वैल्यू कितना आया, सपोज कर लिया हमने एफ एक्स आया, ठीक है? तो देखो कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, ए से सी तक, प्लस इनका भी वैल्यू क्या, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हमने मान के क्या चल रहा है कि वो कैपिटल एफ एक्स को ही वैल्यू आएगी, ठीक है? कहाँ से कहाँ तक, सी से लेके बी तक, ठीक है? अब करो क्या, बस वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे रखोगे तो क्या बनेगा, एफ सी माइनस एफ ए बनेगा, ठीक है? और क्या, प्लस यहाँ पे होगा, क्या होगा, एफ बी माइनस एफ सी बनेगा, ठीक है? बस ब्रैकेट ओपन कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एफ सी माइनस एफ ए और प्लस एफ बी माइनस एफ सी हुआ। देखो यहाँ पे माइनस एफ सी प्लस एफ सी कैंसिल, तो देखो यार यहाँ पे प्लस में है ये माइनस में है, तो आगे पीछे करके लिख दो, तो ये किसके बराबर हुआ, राइट हैंड साइड ये चल रहा था एफ बी माइनस एफ ए के बराबर हुआ, वही तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है? तो नोट कर लो। आप क्या कर सकते हो,
जो सी का वैल्यू है उसको कई टर्म्स तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है, जो आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, आप ऐसा भी कर सकते हो, ए टू बी सी वन, ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन टू बी कर दो, हाँ ऐसे भी कर दो, सी वन टू और कुछ चेंज करो, सी वन टू सी टू कर दो एफ एक्स डी एक्स, फिर क्या करो प्लस इंटीग्रेशन सी टू टू बी एफ एक्स डी एक्स कर दो, तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है। आप क्या कर सकते हो इसको अनलिमिटेड टर्म तक क्या कर सकते हो, अपने सुविधा के हिसाब से ओपन कर सकते हो, ठीक है, नोट करो। तो हमारा देखो चौथा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर जो यहाँ पे ए दिया है वही अगर हम क्या करें ए माइनस एक्स कर दे तब भी आपका वैल्यू सेम आता है, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए सपोज कर लेते हैं कोई आई इंटीग्रेशन आपको जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स दिया है, ठीक है, एक्स है तो डी एक्स है, हम करते क्या है एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है और टी कोई वेरिएबल है, ठीक है। देखो यहाँ पे करोगे टी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस टी करोगे तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस टी डी एक्स बनेगा। तो देखो यार डी एक्स तो नहीं रहना चाहिए, अब यहाँ पे ए कॉन्स्टेंट है तो टी और टी वेरिएबल है तो यहाँ पे डी टी का कोई फॉर्म रहना चाहिए, फॉर्म करते हैं क्या है पहले उसको बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको गायब कर दो, ये आपके काम का नहीं है, हमारे भी काम का नहीं है। तो पहले इसको क्या करो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ क्या बनेगा डी एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब उसका वैल्यू वन, ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस टी को डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स बनेगा, ठीक है। डी एक्स को इधर भेजो तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया माइनस डी टी आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, अब देखो जो ये आपका जीरो टू ए जो आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है उसकी बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जब एफ एक्स डी एक्स था तो जीरो टू ए दिया है, लेकिन जब एफ टी डी टी बनेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा उसको भी हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं जब क्या है एक्स का वैल्यू जीरो है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो है जो हम सॉल्व करेंगे ये वाला, जैसे हम एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करते थे तो हम क्यों क्या मिलता था एफ एक्स मिलता था जीरो टू ए, जब क्या होगा एक्स का वैल्यू हम जीरो रखेंगे ये वाला, पहले क्या रखते हैं एफ ए रखते हैं और माइनस एफ जीरो रखते हैं, ऐसा ही ना करते हैं। तो अगर हम क्या हुआ एफ की यहाँ एक्स की जगह क्या रखे जीरो रखे तब क्या होगा, जब एक्स की जगह जीरो रखोगे तो ये क्या बनेगा जीरो इज इक्वल टू ए माइनस टी, मतलब क्या टी इज इक्वल टू ए मिलेगा, ठीक है। तो जब एक्स का वैल्यू जीरो तो टी टी का वैल्यू क्या आ गया ए आ गया, तो उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन एक्स का वैल्यू जीरो था तो टी का वैल्यू ए आ गया और एफ, अब हम क्या कर रहे हैं एफ की जगह ए माइनस टी और जो आपका डी एक्स की वैल्यू क्या आया माइनस डी टी आया, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। और देखो क्या है जब एक्स का वैल्यू ए है, यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू ए है तब क्या होगा जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पुट करो एक्स का वैल्यू ए करो इज इक्वल टू ए और माइनस टी है, ठीक है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब टी का वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या आ गया जीरो आ गया, जब एक्स का वैल्यू ए है तो टी कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो होगा क्या माइनस साइन को यहाँ से बाहर कर दो, ये हो गया माइनस साइन बाहर। और हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इसको नोट करना है, नोट कर लो रफ करना है, ठीक है। तो देखो हमने हो गया, तो देखो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर हम जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है उसको एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं तो जो आपका साइन एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ए टू जीरो निगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें इसको हम रिवर्स करें इंटीग्रेशन जीरो टू ए करें तो एक और निगेटिव साइन आएगा और वो निगेटिव क्या करेगा इसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अभी हमने प्रॉपर्टी में देखी थी और अंदर क्या है एफ ए माइनस टी और क्या है डी टी है, ठीक है। तो देखो ये हो गया पहले प्रॉपर्टी से कौन सा, जब हमने क्या किया साइन क्या बोला नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे किया तो एक्स्ट्रा साइन जो आया वो इसको खत्म कर दिया, निगेटिव को पॉजिटिव बना दिया। अब देखो यार हमने पहला प्रॉपर्टी भी क्या पढ़ा था कि अगर आपका वेरिएबल सेम है, जो आपका रेंज ऑफ सॉरी वेरिएबल नहीं जो आपका रेंज ऑफ इंटीग्रेशन सेम है तो वेरिएबल को चेंज करने पे जो जो एक्चुअल आंसर होता है उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम क्या करें वेरिएबल को सेम करें और एफ ए यहाँ पे वेरिएबल क्या है सॉरी अगर हम रेंज ऑफ इंटीग्रेशन को सेम रखें और वेरिएबल क्या है यक्स है उसको चेंज करें तब भी आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हम ए माइनस यक्स डी एक्स कर दे प्रॉपर्टी पहले से तब कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने पहले प्रॉपर्टी में प्रूफ देख लिया था कि
वेरिएबल चेंज करने पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। और यही आपको दिया क्या है, वही आपको राइट हैंड साइड में दिया है, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हो हेंस प्रूव या इंटीग्रेशन ए टू 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डीएक्स के बराबर होता है, ठीक है, नोट कर लो।